हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल नगड़िया ब्लॉग। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग बांग्लादेश दोस्त की शादी में आए थे और हमने शादी अटेंड किया, बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया यहाँ पे शादी में। अभी शादी कंप्लीट हो गया उनका और हम लोग यहाँ से फ्री हो गए हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो जब बांग्लादेश आए हैं तो क्यों ना हम लोग बांग्लादेश को पूरा जो है घूमा जाए। तो देखते हैं आगे जैसा सुविधा मिलता है, अगर बस वगैरह का सुविधा अगर ठीक होगा तो चट्टोग्राम और कॉक्स बीच जाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो यहाँ से ढाका निकलेंगे, ढाका में जितने दिन रहे वहाँ पे एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम लोग सैदपुर होते हुए जो बंगला बंदा जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करेंगे और वहाँ से एग्जिट करके हम लोग इंडिया पहुँचेंगे। और तो यहाँ से सबसे पहले तो अभी हम लोग रेडी हैं, सामान वामान हम लोग का पैक हो गया, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और निकलने के बाद देखते हैं बस स्टैंड जाते हैं क्या सुविधा मिलता है। अगर बस का सुविधा ठीक होगा, जहाँ का सुविधा होगा, जहाँ सही मिलेगा वहाँ हम लोग निकल करके चलेंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद देखते हैं कि क्या मिलता है हम लोग को जाने के लिए। खुलना सिटी के बड़ा बाज़ार अभी जाने वाले हैं, वहाँ पे बड़ा बाज़ार निकलेंगे, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद वहाँ से देखेंगे कि कैसे निकलना है। बड़ा बाज़ार पहुँचते हैं पहले, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ से कैसे जाना होगा, क्या सवारी मिलेगा। हाँ तो दोस्तों अभी हम रुपसा फेरी क्रॉसिंग पे हैं, खुलना रुपसा फेरी क्रॉसिंग, जो अभी हम यहाँ पे आए हैं। इसका व्यू देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पानी ही पानी है। और यहाँ पे एक वो ब्रिज है, शायद ढाका वाला ब्रिज जो है वो वाला है, बहुत ही दूर दिख रहा है, शायद आपको नज़र नहीं आता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये चारों तरफ जहाज लगे हुए हैं छोटे बड़े, और इसी जहाज के सहारे जो है इस घाट को पार करना होता है। तो चलिए हम इस घाट को पार करते हैं, उसके बाद आगे आपको जाते हैं और हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग नाव पर चढ़ गए हैं और नाव जो है हमारा स्टार्ट हो गया और घाट के उस पर हम लोग जाने के लिए तैयार है। और ये हवाओं के साथ बात करते हुए इतना मतलब कि आनंद आता है, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं और ठंडी ठंडी हवाएं, और ये जब पानी पर जब नाव चलता है तो देखते ही बनता है। इतना सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा है, शायद कैमरे में आपको ठीक से नहीं दिखाई देता हो, तो आपको बता दें कि अगर ऐसा मौका आपको मिले कि कभी नाव से नदी को पार करने का तो उस मौके को हाथ से जाने न दें और ऐसा अनुभव अपनी लाइफ में ज़रूर लें, क्योंकि ऐसा अनुभव शायद हम लोगों को नहीं मिला था। बहुत ही मज़ा आया। और अभी हम घाट के दूसरे साइड पहुंचने वाले हैं, नाव हमारा जो है पहुंच रहा है घाट के उस साइड में, तो वहां पहुंचते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं कि कैसा व्यू है और क्या देखने को मिलता है। दोस्तों अभी हम इस घाट को पार कर गए हैं और ये आ गए हैं रुपसा के दूसरे साइड में। अब हम चलते हैं आगे बस स्टैंड में, यहाँ से बस लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ के लिए बस मिलती है। तो दोस्तों अभी हम खुलना रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए हैं, ये आप खुलना रेलवे स्टेशन का व्यू देख सकते हैं। आपको बता दें कि हम जाना चाहते थे कॉक्स बीच, जो हम बस पकड़ने वाले थे, तो गए वहाँ पर तो पता चला कि वहाँ से बस नहीं मिलेगा, बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग हिंदी भी नहीं जानते हैं और दूसरा परेशानी यह है कि हम भी यहाँ के लिए नए हैं। तो बांग्लादेश में इस तरह का दिक्कत आपके सामने आएगा कि आप बांग्ला नहीं जानते हैं तो बहुत ही परेशानी होने वाला है। तो करीब एक दो घंटा उधर हमारा वेस्ट चला गया, क्योंकि पता ही नहीं चला कि बस कहाँ से मिलेगी, नहीं मिला। तो लास्ट में हम अभी खुलना रेलवे स्टेशन पे आए हैं और यहाँ से पता करते हैं ढाका के लिए ट्रेन, डायरेक्ट हम ढाका पहुँचेंगे और ढाका पहुँचने के बाद वहाँ से प्लानिंग करेंगे कि वहाँ से कैसे जाना है और कैसे जो है पूरा बांग्लादेश को जो है घूमना है। तो अभी हम चलते हैं खुलना रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ से ढाका के लिए ट्रेन पता करते हैं कितने बजे है। पता चला है कि रात को 10 बजे भी है और सुबह 6 बजे है, तो दोनों में ट्रेनों में से कौन सी ट्रेन हमारे लिए सही रहेगा उस ट्रेन का पता करते हैं और टिकट का बुकिंग करते हैं और चलते हैं अंदर। और अंदर चलने के बाद जैसा होगा, जैसा डिसाइड होता है वैसे आपको बताते रहेंगे। और यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर भी है और इंक्वायरी काउंटर भी है। तो मैंने यहाँ पर पता किया तो कल सुबह एक ट्रेन है 9 बजे जो खुलना से
ढाका जाती है, लेकिन उसमें अभी सीट अवेलेबल नहीं है, एक ही सीट अवेलेबल था और हम लोग दो आदमी हैं, तो यहाँ से दो आदमी को जाना मुश्किल हो रहा था। और नेक्स्ट डे आपको सीट मिल रहा था, दो सीट खाली था, लेकिन हम यहाँ पर दो दिन रुक नहीं सकते थे। रुकना मुश्किल है क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, दो दिन का समय और कुछ काम भी नहीं है यहाँ पर खुलना में, तो यहाँ पर रुक करके आदमी बोर हो जाएगा, तो यहाँ पर टिकट मिलने वाला नहीं है हमें, लेकिन क्या करें, अभी चलते हैं बस स्टैंड और यहाँ से बस स्टैंड जाने के बाद यहाँ देखते हैं ढाका के लिए अगर कोई बस मिलती है डायरेक्ट तो बस से जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं बाहर और चलते हैं ये बस पता करते हैं कितने बजे बस है क्या है, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो बस का टिकट बुक करेंगे और यहाँ से ढाका के लिए निकल जाएंगे। लेकिन सोच रहे हैं कि आज यहाँ से खुलना से निकल ही जाए क्योंकि यहाँ पे दो तीन दिन हो गया लगभग और अब मूड भी नहीं लग रहा है, यहाँ पे रुकना भी ठीक नहीं लग रहा है, तो कोशिश यही है कि आज खुलना से निकल जाए। ढाका पहुँचने के बाद वहाँ पे एक दो दिन रुकेंगे, वहाँ पर इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं बस स्टैंड, वहाँ से टिकट के लिए पता करते हैं उसका क्या टिकट है, कैसे है, खाली है या नहीं है, और उसका फेयर वगैरह क्या है वो पता करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि। तो दोस्तों दिन भर परेशानी झेलने के बाद अभी 8:37 हो रहे हैं और खुलना के हम सोना ढाका बस स्टैंड पर पहुंच गए और यहाँ पर हमने बस का टिकट जो है बुक कर लिया है और करीब 9:30 पर यहाँ सोना ढाका से ढाका के लिए बस। तो अभी बस 9:30 पर था समय था, तो पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारा होटल है, यहाँ पे होटल में कुछ खाने को है नहीं, लेकिन जैसे हम लोग बिहार में अपना ये अपना यूपी में खाना खाने के लिए सुविधा अच्छा है, तो यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं, जो मिला मैंने खाया, अपना पेट भर लिया, बिस्किट वगैरह पानी वानी लेकर रख लेते हैं, पता नहीं रास्ते में मिले कि नहीं, और लंबा सफ़र है, करीब 9:30 पर यहाँ से बस जो है चलेगी और सुबह 6 के करीब वो ढाका पहुँचेगी। आपको इसका फेयर बता दूँ, यहाँ पर सोना ढाका से आपका यहाँ सोना ढाका से ढाका के लिए 690 यानी कि 690 रुपये का टिकट पड़ा है, जो नॉन एसी है और चेयर, मैंने पूछा यहाँ पे स्लीपर का कोई सुविधा नहीं था तो नॉन एसी चेयर मिला, वही हमने लिया और उसी के सहारे अभी ढाका चलने वाले हैं। देखते हैं क्या परेशानी होता है रास्ते में, सुबह से तो परेशान हो गए, चलते चलते थक गए हैं, कोई सुविधा नहीं मिला, अभी देखते हैं क्या होने वाला है, जैसे होता है वैसे हम आपको बताते रहेंगे। क्या क्या लिया आपने बताइए? इसमें कुछ बिस्किट है और बस बिस्किट ही है, 3-4 का बिस्किट है, तीन किस्म का है। और पानी बोतल शायद आपने नहीं लिया क्या? है, तो बिना पानी बोतल का कैसे काम चलेगा? है ना भाई, पानी बोतल है, छोटा बोतल है, इससे क्या होगा? ये वो भी ले लेते हैं। हाँ, एक बड़ा वाला बोतल ले लेते हैं ना, पूरे रात का बात है, पता नहीं कैसा हो, मिले या नहीं मिले, तो चलिए एक पानी बोतल ले लेते हैं, उसके बाद बस पे चलते हैं, बस में क्या है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, सीट कैसा है, अभी तो बस मैंने देखा भी नहीं कौन सा बस है, सीट कैसा है वो भी नहीं मालूम, बस कैसा होता है। ये है हमारा बस और चलते हैं अपने सीट की तरफ, देखते हैं कौन सा सीट मिला है। वो ज़्यादा थोड़ा साइड, कौन सा सीट? ये वाला सीट मिला। हाँ तो दोस्तों ये भाई मिले मुझे खुलना बस स्टैंड पर, सोना ढाका बस स्टैंड में, तो पहले ये इंडिया में रहे हैं हैदराबाद में, इनके पापा जो है पहले शायद इंजीनियर थे, तो यहीं पर हैदराबाद में ही अपना काम हम कराते थे, तो ये भी वहीं पर रह के पढ़े हैं, तो बताइए अपने बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद मुन्ना, मैं ढाका में हूँ, ढाका में काम करता, खुलना मेरा होम टाउन है, पहले मेरा जन्म हुआ इंडिया हैदराबाद में था, मेरा पापा इंजीनियर है, तब मेरा पापा समझा कि मैं अकेला उधर क्या करूँगा, इसीलिए मुझे बांग्लादेश में भेज दिया, मैं बांग्लादेश में हूँ, अभी ढाका में जा रहा था, उसके बाद दोस्तों के साथ मैं परिचय हुआ इंडिया में। ढाका में काम क्या करते हैं? ढाका में मैं शिप यार्ड का इंजीनियर हूँ, अभी सीख रहा हूँ, जो जहाज बनाता है ना शिप, उस कंपनी में। पढ़ाई कहाँ तक? इंटर पास किया। तो अभी शिप यार्ड में काम करते हैं? हाँ, अभी मैं काम करता हूँ, नहीं हूँ, 4 काम किया, सिगरेट भी है, 4 मैं काम किया। दिखा सिगरेट दिखाओ। अच्छा, अभी एज कम है, सिगरेट नहीं पीने का।
तो अभी ढाका में रहते हैं ना? हाँ, चलिए तो साथ में चलेंगे ढाका तक। उसके बाद ढाका में क्या क्या है घूमने वाला वो आप बताएंगे हम लोगों को, उसके बाद क्या है फिर बाद में अपने घर। हाँ तो दोस्तों फाइनली हम ढाका पहुंच गए हैं, अभी 1 बज रहा है, लेकिन सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ पर ढाका जो है पहुँचे थे। बस ने हमें सुबह 8 बजे उतारा था और बहुत ही थक गए थे, कुछ 8-9 घंटे का जर्नी, मतलब कि नींद ऐसा आ रहा था कि कुछ करने को मन नहीं कर रहा था और इतना थक गए थे कि वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिला। तो सुबह फर्स्ट में आकर के हमने यहाँ पर ढाका में रूम लिया और रूम लेकर के फ्रेश व्रेश हो गए। अभी 1 बज रहा है, अभी यहाँ से चलेंगे, बाहर चलने के बाद यहाँ देखेंगे क्या खाने को मिलता है, खा पी करके अभी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, घूमने फिरने का कौन सा मार्केट है क्या है पता करते हैं, उसके बाद जैसा होता है आपको बताते रहेंगे। तो अभी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और उस वीडियो को देख करके आप इन्जॉय कर सकें। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।